हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सुधीर वर्मा और मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ गाइस कि गन्ने से देसी गुड़ कैसे बनाते हैं। तो गाइस चलो देखते हैं कि गन्ने से देसी गुड़ कैसे बनता है। गाइस ये देखिए हमारा गन्ना है जो कि इसकी कटिंग हो चुकी है, साफ कर दिया गया है। गाइस ये देखिए गन्ने का इतना बड़ा बड़ा बंडल बन चुका है, गन्ने को साफ कर लिया गया है। और इसके बाद गाइस फाइनली हम लोग इसे लेके जाएंगे क्रशर पे, जहाँ पे गन्ने की पेराई होगी। कि ये हमारी ऊँग जो है ठेले पे लद के रेडी हो चुकी है, अभी ये क्रशर की ओर जाएगी जहाँ से हम लोग गन्ने से रस निकालेंगे। तो गाइस ये देखिए ठेले पे हमारा गन्ना लोड हो चुका है। तो गाइस हम लोग अपने क्रशर पे फाइनली आ चुके हैं। इस तरह देखिए हम लोग गन्ने की पेराई करेंगे। देखिए गाइस इस तरह हम लोग गन्ने की पेराई करते हैं। ये देखिए हमारा रस निकल रहा है, बड़ी सी हौदी है जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं अपने रस को। इस तरह हम लोग गन्ने को पेरते हैं, गन्ने से रस को अलग करते हैं। इस तरह हमारा क्रशर चलता है। ये देखिए गाइस किस तरह हम लोग गन्ने की पेराई कर रहे हैं। ये देखिए गाइस हमारा गन्ना का रस इस तरह, देखिए गाइस इस तरह गिरता है और जो इसमें हम लोग गन्ने का रस इस बड़े से कराहा में जमा करते हैं, जिसमें तकरीबन 200 लीटर हमारा रस हो चुका है। और ये भट्टी है हमारी जिसकी मदद से हम लोग अपने गुड़ को बनाएंगे। तो गाइस ये देखिए फाइनली 1 घंटे हो चुके हैं हम लोग अपने भट्टी में पका रहे हैं अपने गुड़ को। ये देखिए गाइस किस तरह खोल रहा है हमारा रस, गन्ने का रस किस तरह खोल रहा है और इसमें से जो महिया निकलती है हम लोग इसमें छान के रख देते हैं। ये देखिए गाइस और 1 घंटे कंटिन्यू हम अपने भट्टी को चला रहे हैं जिससे हमारा रस खोल रहा है पूरी तरह। अब धीरे धीरे हमारा रस पक रहा है। तो गाइस देखिए इस तरह हमारी भट्टी चलती है। जो गन्ने का रस, जो गन्ने की पत्ती होती है बिल्कुल सूखी होती है, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं। अब फाइनली अब 2 घंटे हो चुके हैं हमारे रस को पकाते हुए। और ये देखिए गाइस धीरे धीरे ये गुड़ में परिवर्तित हो रहा है। ये देखिए गाइस किस तरह हमारा रस पक रहा है, अब गुड़ बन रहा है। इसी तरह कंटिन्यू हम लोग 3 घंटे अपनी भट्टी को चलाएंगे जिससे हमारे गन्ने का रस पूरी तरह गुड़ बन जाएगा। तो ये देखिए गाइस 3रा घंटा हमारा पूरा होने वाला है और फाइनली हमारा गुड़ बन के रेडी होने वाला है। ये देखिए गाइस इस तरह हम लोग चाशनी देखते हैं कि हमारा गुड़ कम्प्लीटली हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारा गुड़ पूरी तरह बन चुका है। तो अब हम इसे किसी और बर्तन में निकालेंगे। तो इस तरह हम लोग बाल्टी में अपने गुड़ को निकाल रहे हैं और एक सीमेंट के बड़े से बर्तन में हम लोग रखेंगे। ये देखिए गाइस ये सीमेंट का हमारा बड़ा सा स्टोरेज है जिसमें अपने गुड़ को रखे हैं ठंडा होने के लिए। तो गाइस ये रहा हमारा स्टोर रूम जिसमें हम अपने गुड़ को रखे हैं। और इस तरह हम लोग मथते हैं जिससे हमारा गुड़ पूरी तरह ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और इस तरह हम लोग मथेंगे
हमारा गुड़ जो है कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा।